खरगापुर तहसील प्रांगण में विकास यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राहुल सिंह लोधी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले विधायक और सभी अधिकारियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। विकास यात्रा के दौरान विधायक राहुल सिंह लोधी ने 32 करोड़ की सौगात दी। बस ट्रेन का नवीनी निर्माण के साथ ऑडिटोरियम, रेलवे स्टेशन तक का रोड मुक्तिधाम का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान विधायक राहुल सिंह लोधी ने कहा कि विधानसभा में चारों तरफ कार्यों की सौगात मिल रही है, जिससे विधानसभा का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास हो सके, जिसके लिए मैं लगातार ही प्रयासरत हूं। एसडीएम सौरभ मिश्रा ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ सभी गरीब लोगों को मिल रहा है। इस दौरान तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता, जनपद प्रभास कुमार घनकौरिया, सीएमओ महादेव अवस्थी और हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद है। खरगापुर नगर का गौरव दिवस है आज। आज के दिन से हर साल गौरव दिवस खरगापुर में मनाया जाएगा इसी दिन। और आज खरगापुर में करीबन जो स्वास्थ्य विभाग के जो पूरे मध्य अपने खरगापुर विधानसभा में काम चल रहे हैं, वो करीबन 32 करोड़ रुपए के काम, 32 करोड़ के स्वास्थ्य के सारे कामों का आज लोकार्पण हुआ। ये सारे पत्थर हमारे स्वास्थ्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ, माननीय विधायक श्री राहुल सिंह लोधी जी से मिला, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि यदि ऐसा सच में होता है तो हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम आपका काम करवा के देंगे। तो फिर उन्होंने हॉस्पिटल में बात की, डीन मैडम से बात की, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर विनीता पुरी एचओडी प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ हम कर सकते हैं।